हमीरपुर जिला में कोरोना बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और इसी के चलते होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए टीमें गठित कर स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी हर वक्त जानकारी अपडेट रखी जाती है, तो स्वास्थ्य विभाग की तैनात टीम के द्वारा दिन में 2 बार फोन करके भी जानकारी जुटाई जाती है ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। CMO हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी के अनुसार होम आइसोलेशन से लेकर क्वारंटाइन रखे जा रहे मरीजों की देखभाल के लिए गाइडलाइन के मुताबिक पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। तो होम आइसोलेशन के लिए हमने स्पेशल टीमें कंस्टिट्यूट की हुई हैं विलेज लेवल पर और एंड दे आर मोनिटर्ड बाय द कंसर्न उस सेक्टर के जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनके द्वारा मोनिटर किया जाता है और जो जो हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड जो जो एज पर सिचुएशन के हिसाब से किसको किस दवाई की ज़रूरत है उस ढंग से हम उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं ताकि मतलब उनकी कंडीशन डिटीरियोरेट ना हो या उनमें कोई सिम्टम्स ना आए। और जैसे ही हमने तो इवन ब्लॉक लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं पेशेंट्स के साथ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है दे हैव बीन अटेंडेड ऑन फोन कॉल। सबसे पहले तो वो फ़ोन कॉल की जाती है जब एक बार होम आइसोलेट करने के बाद दिन में 1 या 2 बार कॉल की जाती है। उसके बाद उनको अगर किसी को कोई सिम्टम डेवलप होते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है कि यहाँ कॉन्टैक्ट करना है या हमारी आशा वर्कर्स कॉन्टैक्ट करती हैं उनको एंड इमीडिएटली दे आर शिफ्टेड टू द अगर हमें लगता है कि DCCC में शिफ्ट करना है तो DCCC में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हम उनको DCHC में भी शिफ्ट करते हैं। तो इस ढंग से हम होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। CMO डॉक्टर अर्चना सोनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज के समय में सभी कार्यक्रम हो रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है जिस कारण कोरोना बीमारी से बचना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को मास्क का प्रयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मास्क को सही ढंग से पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर ही कोरोना से बचा जा सकेगा क्योंकि आज के टाइम में लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। IEC एक बहुत बड़ा मुद्दा बन क्योंकि सब कुछ खुला है, सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, धाम हो रही हैं, तो जगह जगह अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों की जो अप्रोच है वो बहुत, यहाँ मैं आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि लोगों की अप्रोच बहुत ही कैजुअल हो गई है। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमने अक्सर देखा, अगर कर भी रहे हैं तो मास्क नाक से नीचे है, तो अगर नाक से नीचे अगर हम मास्क पहनेंगे तो इसके पहनने का कोई औचित्य नहीं है बेसिकली। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, मेरी लोगों से विनती रहेगी, रादर रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अगर 3 चीज़ों का पालन कर लेंगे तो अगर आप खुद को बचा सकेंगे तभी सोसाइटी को बचा सकेंगे। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में पिछले 15 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और जिला में अब कुल 2024 कोरोना मामले सामने आए हैं, तो एक्टिव मामले में 535 हैं जबकि 1464 लोग कोरोना बीमारी को मात देकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। साथ में अब तक 25 लोग कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं।